अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रात में, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, किसी कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वो अपने अंदर अपने नफ्स की हालत को नहीं बदलेंगे। पहले अंदर अपने आप को बदलो, पहले हराल पर इत्तेफा करो, हराम से इज्तनाब करो, घरों में शरी पर्दा नाफिज करो, शरी पर्दा, ये रिवाजी पर्दा नहीं, शरी पर्दा। पूछिए उलमा से किस किस से पर्दा है, किस किस के सामने औरत आ सकती है बगैर हिजाब के, कौन है महरम, पूछिए, और चीजें भी पूछ ले, ये भी पूछिए ना उनसे, फिर उस पर अमल कीजिए। अगर आप अपने घर के अंदर पर्दा नाफिज नहीं करते और शिकवा करते जी बड़ी उरियानी दुनिया में फैल रही है, तो आपको शिकवा करने का हक नहीं, उरियानी है, बेहिजाबी है, बेपर्दगी है, फहाशी है, फैल रही है, क्यों, हमने खुद अपने घरों से पर्दा निकाल दिया। जिसके पास दो पैसे आ गए सबसे पहला काम यह किया कि बुरका उतार दिया, मालूम हुआ कि यह तो गुर्बत की अलामत थी, यह तो गोया के दखियारूसियत की अलामत थी। तो हमें यह सोचना चाहिए हमारी माशरत, अब किसी ने कानून तो हमारे ऊपर नाफिज नहीं किया है कि औरतें पर्दा ना करें, अल्लाह का शुक्र है आज तक पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ है। मुसलमान मुल्क एक तुर्की भी है, वहां औरत अपना सर भी नहीं ढांप सकती। आपको अपने अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी आ गई थी कि जिसने सिर्फ सर ढांपा हुआ था, स्कार्फ रखा हुआ था सर पर, इस जुर्म की पादाश में उसकी वो असेंबली की मेंबरशिप भी गई और तुर्की की सिटीजनशिप भी गई। हमारे हाथ में नहीं, जिस घर से भी पर्दा निकला है अपनी मर्जी से निकला है, जिसने भी छोड़ा है अपने इरादे से छोड़ा है, किसी ने आप पर लाजिम नहीं किया। तो पहला काम देखिए इस्लाह माशरा का, पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को ठीक करो, अपने किरदार को, और दोनों एतबार से अपनी माश और माशरत, माश आपकी जो भी कमाई है जिस पर आपका गुजारा है उसमें कोई हराम की आमेजिश ना हो, माशरत जो रहन सहन है, बाकी जाहिर बात है चोर का हाथ तो आप नहीं काट सकते, वो तो जब तक कानून ना बने और वो निजाम ना बदले, जानी को आप संसार नहीं कर सकते जब तक कि शरीयत का कानून जो है उसकी बालादस्ती ना हो जाए, वो आप नहीं कर सकते। सूद आप खत्म नहीं कर सकते जब तक कि वो निजाम हुकूमत खत्म ना करे, वरना तो हर एक जो है पूरे हमारे निजाम का जो है ताना बाना सूद पर है। लेकिन खुद तो अपने आप को बचा सकते हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो ना हो सूद में, खुद तो सूद पर कर्ज ना लो, खुद तो अपनी बचत वहां रखकर उस पर सूद ना खाओ और फिक्स डिपॉजिट रखकर जो है सूद ना खाओ। कम से कम इन दोनों एतबार से जब तक कि हम अपने आप को, तकवा तो बहुत ऊंची चीज है और तकवा भी वो जितना कि अल्लाह के तकवा का हक है, तो बहुत ऊंची बात है, कम से कम जो सरी हराम है उससे तो बचे। तो पहली मंजिल ये, बल्कि मेरे अब आज की तरतीब में दूसरी मंजिल हुई। पहली मंजिल क्या थी, यकीन वाला ईमान हासिल करो, यकीन पैदा करे नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फकूरी। ऐसे ऐसे दरवेश गुजरे हैं। अब ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में एक तख्त होता था बादशाह का, एक तख्त होता था इनका रूहानी, रूहानी ताजदार वो कौन थे, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। छह बादशाह उनके जमाने में बैठे तख्ते दिल्ली पर, किसी के पास हाजिरी नहीं थी, दरवेश नहीं जाया करते उमरा के घरों में। एक बादशाह ने कहा कि मैं आना चाहता हूं, रोक दिया, नहीं मेरे पास मत आओ। उसने कहलवाया मैं आ जाऊंगा, आपका दरबार आम है, खुला है, सब आते, मैं भी आ जाऊंगा, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। जवाबन कहलवाया कि अगर बादशाह एक दरवाजे से दाखिल हुआ तो दरवेश दूसरे दरवाजे से निकल जाएगा। झुक रहा है कि नहीं बादशाह, जब आया था बाबर यहां पर हुकूमत वो जंग करने के लिए, पानीपत की तीसरी पहली जंग होने वाली थी सन 1526 में, पता नहीं ये तारीख भी अब लोगों को मालूम है कि नहीं, तो वहां कौन था, इब्राहिम लोदी बादशाह था दिल्ली का। वो आया है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हुजूर हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए, बड़ा वक्त सख्त आ गया है, बाबर फौज लेकर आ गया है। उनका दुआ नहीं की, फरमाया हट जाओ यहां से, हमारी धूप छोड़ दो, दुआ नहीं की। वो आया है, हाथ जोड़ रहा है दुआ की, दुआ नहीं की, इसलिए जालिम हुक्मरान था और बाबर ने शिकस्त दी। तो ये जो ये फकीरों के पास चल के बादशाह क्यों जा रहे हैं, इसलिए वो यकीन है दिल के अंदर, यकीन पैदा करे नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फगफूरी। बादशाह झुकते हैं जिनके सामने, वो किससे हासिल होती है, वो दर हकीकत यकीन कल्बी वाली दौलत। दूसरा काम अपने अमल के अंदर, अपने किरदार में
तकवा इख्तियार करो, जिसका कम से कम दर्जा यह है कि हराम से तो अपने आप को बचा लो और फराइज की पाबंदी करो। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, अगर आपके पास माल इतना है कि जकात आप पर आयद होती है, जकात देना फर्ज है, अगर इस्तेआत है तो हज करना फर्ज है, जो भी है फराइज वो अदा करो, फराइज और वाजिबात अदा करो, हराम से अपने आप को रोक लो। ये दो काम नहीं करते तो अगली आयत की तरफ बढ़ने का फायदा ही नहीं, फिर यही पर बात खत्म हो जाएगी, फुल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर यह मरहला तय कर लिया, खुशनसीब उसने अपनी माश और अपनी माशरत को दुरुस्त कर लिया शरीयत के मुताबिक, अब अगला कदम क्या होगा, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अब चूंकि तुम्हें फर्द से आगे बढ़कर एक उम्मत बनना है दुनिया में इंकलाब बरपा करने के लिए, अल्लाह के दीन का बोलबाला करने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, तुम्हें तो फौज बनना है, खुदाई फौजदार बनना है, लिहाजा तुम्हें जुड़ना होगा ना, तुम्हें जोड़ने वाली शय कौन सी होगी। मैंने कहा था ना फसील की मजबूती का दारो मदार दो चीजों पर है, ईंटें पक्की हो, अफराद जो है उनमें तकवा आ गया, फरमाबरदारी आ गई, ईंट पक्की हो गई दीनी एतबार से। अब इनको जोड़ने वाली शय क्या है, फरमाया और सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में मुबतला ना हो। वातसिमु बिहब्लिल्लाह, हब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी, मिलजुल कर जमीअन, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तफरके में मुबतला ना हो। तफरका होगा तुम्हारी कुव्वत खत्म हो जाएगी, डिवाइडेड यू फॉल, यूनाइटेड यू स्टैंड। अगर तुम्हें मजबूत हो और मुजतबे हो, बुनियादे मरसूस हो, तो तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे दिल फटे हुए हो, तुम्हारे अंदर रखने हो, तो तुम्हारे अंदर से गद्दार निकल आएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि अंग्रेज जो आया है हिंदुस्तान में, बंगाल में गद्दारी हुई, मीर जाफर ने गद्दारी की, इसलिए बंगाल में प्लासी की जंग में फतह हुई लॉर्ड क्लाइव को, दक्कन में हमारा आखिरी तीर जिसे कहा इकबाल ने, तरकशे मारा खदंगे आखिरी, टीपू सुल्तान आखिरी चट्टान थी हिंदुस्तान के अंदर, और वो भी एक गद्दार की वजह से, जाफर अस बंगाल और सादिक अस दकन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन थे, कौन मुसलमान थे। लेकिन ये कि अगर आपस में तफरका है, आपके तफरके को दुश्मन इस्तेमाल करेगा, आपको आपस में टकराएगा, एक के मुकाबले में दूसरी की मदद करेगा, कभी दूसरे के मुकाबले में आपकी मदद करेगा, ताकि आपस में टकरा कर खत्म हो जाओ। लिहाजा इत्तेहाद, अब क्योंकि यहां पे इत्तेहाद लिखा हुआ है तो इसी हवाले से समझिए कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह, जो इत्तेफाक कैसे आएगा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो।